क्या बताए, आज बहुत दिनों बाद हमको गाड़ी बनवाने देने की। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हम इलाहाबाद गए थे तो हमारी गाड़ी टूट गई थी, तो उसको बनने देना है। और आज पता है क्या हो रहा है, आज हमारा सिम्बा जा रहा है साथ में, वो बहुत दिनों से पैनिक हो रहा था, उसको आज हम लेके जाएंगे, घुमाएंगे थोड़ा सा। प्यार में उसकी कमी हो गई थी तो प्यार नहीं, मैंने बताया था कि सिम्बा कितना परेशान है, उसके जीवन में छोटा भाई आया हुआ जिसने उसको पूरा टेंशन प्यार सब कुछ बांट रखा है, तो बहुत प्यार उसको भी चाहिए, वरना वो बहुत प्यारा लड़का है। नहीं दे रहा, कितने भी नहीं दे रहा, भाव खा रहा है कार में बैठ के। तो चलिए चलते हैं अब सिम्बा को लाने का नतीजा। बस इसीलिए मुझे सिम्बा को लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है पर बाकी उसके कारण वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और मुझे बहुत डर लगता है डॉग से। सिम्बा मेरा है पर आई एम सो अफ्रेड कि आधी अधूरी बातें जितना समझ में आया समझ लो, तो मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। तो सिम्बा के साथ बताया मैंने यही प्रॉब्लम है कि मैं इसके साथ इसलिए नहीं घूमती, ये तो ठीक है या टेंशन सीकर है, मतलब इसको देख के लोगों की नज़र इस पर पड़ती है, लोगों की तो ठीक है कुत्तों की भी पड़ती है, और मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है, लाइक लोग सोचते हो कि इतना बड़ा कुत्ता आप साथ में लेके घूम रहे हैं, पर यार वो उसको मैंने बचपन से पाला है, उसका सारा नेचर मुझे पता है, बाकी का तो मैं नहीं कह सकती ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। बाकी क्या बताएं, अब कैसे तैसे हमको लग रहा है हम घर पहुँच जाए शांति से, क्योंकि रास्ते में कोई कुत्ता पीछे ना पड़े और रोड भी क्रॉस कर ले। सो ये रोड क्रॉस कर लेता है आराम से, अब सबसे ज्यादा डर यहीं पे लगता है मुझे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चलो रुकना, यहाँ पे डॉग्स का ढेर होता है और सिम्बा की महक दूर से भी कुत्ते को आ जाती है। अभी हम जा रहे हैं, सिम्बा की जगह अगर कोई और डॉग मेरे बगल से कुछ अच्छा है, इतना बड़ा सब क्या बताओ, इतना डर लगता है। कहाँ गया सिम्बा, घर आ चुका है, हमारा आधा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसको नो बोल देंगे तो ये यहाँ से नहीं हिलेगा, अब ये यहीं रहेगा, अब हम चले जाएंगे।